कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित एक रैली में हिस्सा लेंगे। ये रैली 22 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण आज आयोजित की जा रही है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने 800 मेगाहर्ट्ज बैंड CDMA में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 2686 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज की आधार बोली तय करने की सिफारिश की है। ट्राई ने 800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य औसत मूल्यांकन का 80% तय करने की सिफारिश की है। बिहार के गया जिले में शनिवार रात माओवादियों ने अमर थाने पर हमला कर दिया। हालांकि थाने में मौजूद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। माओवादियों ने जीटी रोड पर जा रही एक कार पर भी गोलाबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। झारखंड के गिरडीह जिले की पुलिस और CRPF को नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ मिली कामयाबी। पुलिस और CRPF ने मधुबन के जैन तीर्थ स्थल पारसनाथ पर्वत पर छापेमारी कर नक्सलियों के एक बंकर को ध्वस्त किया। पुलिस ने बम बनाने का सामान, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किया। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में यह एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यूक्रेन की संसद में राष्ट्रपति को हटाने और नए सिरे से चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित होने के बाद जेल में बंद पश्चिम समर्थक विपक्षी नेता यूलिया तिमोशेंको रिहा किए गए। यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया तिमोशेंको रिहा होने के कुछ देर बाद ही राजधानी के मुख्य चौराहे पर पहुंची। यूलिया तिमोशेंको ने प्रदर्शन कर रहे समर्थकों के बीच हिस्सा लिया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए यूलिया ने उन्हें नायक करार दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में सीमा पार से राहत सहायता में बाधा पहुंचाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सीरिया सरकार और सशस्त्र गुटों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने की बात कही गई है।